नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। खबर आपका आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर सगड़ी तहसील के नगर पंचायत जैनपुर स्थित समता नगर प्राचीन वासुदेव बाबा मंदिर पूजन कार्यक्रम के पश्चात भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त श्रद्धालुओं ने वासुदेव बाबा की जय के नारे लगाते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहे भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। भंडारा देर रात तक चलता रहा, जिसमें श्रद्धालुओं ने भंडारे का आनंद लिया। इस मौके पर समाज सेवी सतीश सोनकर ने कहा कि प्रति वर्ष की तरह इस भंडारे का भी आयोजन किया जाया है। मेरा प्रयास है कि नगर के लोगों की समस्याओं को दूर कर सकूं, और साथ ही लोग आमंत्रित कर रहे हैं, और यही प्रयास है कि मैं अनवरत करता चला रहा हूं। आगे भी आमजन के सहयोग का काम जारी रहेगा, जिसमें मुख्य रूप से सतीश सोनकर, अनिल सोनकर, आलोक उर्फ अनुराग चौरसिया, दीपक गुप्ता, गुरु जायसवाल, अरविंद जायसवाल, राकेश जायसवाल, मध्यसिया, पप्पू पाठक, संजय गुप्ता, अरविंद जायसवाल, ज्ञानेंद्र मिश्रा, अंजना सिंह, मुन्ना यादव, अरविंद मौर्य आदि समस्त लोग उपस्थित रहे। क्या कुछ कहा समाज सेवी सतीश सोनकर ने, सुनिए। क्या नाम है आपका? सतीश सोनकर। क्या आपके मोहल्ले में किस तरह का ये आयोजन किया गया भंडारे का? कि मैं 15 साल से नगरवासियों के दिली मेरा तमन्ना है, और हर साल ये भंडारा जो है भव्य ढंग से मैं करता हूँ, और साल में दो मरतबा करवाता हूँ। ये मैं मेरे वासुदेव बाबा का स्थान है, और न मैं हर साल इसी तरह जब तक मैं रहूँगा मैं अपने नगरवासियों का सेवा और सत्कार करते रहूँगा। मेरा नाम आलोक कुमार उर्फ अनुराग चौरसिया है, नगर पंचायत जियनपुर से। किस तरह का ये आपके मोहल्ले में आयोजन किया गया? देखिए, ये समता नगर है। समता नगर में हमारे बड़े भैया सतीश सोनकर जी हैं, और ये इनके द्वारा हमेशा वर्षों से 20 वर्षों से वासुदेव बाबा के इस प्रांगण में हमेशा लगातार भंडारा कराते चले आए हैं, और उसी के उपलक्ष्य में आज फिर से आगे दर पीढ़ी चलते चला चला आ रहा है, तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर विशेष भंडारा का आयोजन किया गया है। चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं, लोगों में इनकी मान प्रतिष्ठा काफ़ी अधिक है और काफ़ी लोकप्रिय भी हैं, और इनका जो लोगों के अंदर समाज सेवा की भावना भी इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। अगर ये चेयरमैन बनते हैं तो क्या तस्वीर रहेगी नगर पंचायत? देखिए, ऐसा है कि समाज सुधार के तमाम कार्यक्रम होने चाहिए, जैसा कि सब्जी मंडी के लिए, फल मंडी के लिए, गल्ला मंडी के लिए, और तमाम मंडियाँ हैं उनकी बेहद दुर्दशा हालत है, उनके लिए कुछ कार्य होने चाहिए, इस उद्देश्य से इन्होंने ये उठाना है। मेरा नाम आलोक कुमार उर्फ अनुराग चौरसिया है, नगर पंचायत जियनपुर से। किस तरह का ये आपके मोहल्ले में आयोजन किया गया? देखिए, ये समता नगर है। समता नगर में हमारे बड़े भैया सतीश सोनकर जी हैं, और ये इनके द्वारा हमेशा वर्षों से 20 वर्षों से वासुदेव बाबा के इस प्रांगण में हमेशा लगातार भंडारा कराते चले आए हैं, और उसी के उपलक्ष्य में आज फिर से आगे दर पीढ़ी चलते चला चला आ रहा है, तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर विशेष भंडारा का आयोजन किया गया है। चेयरमैन पद के प्रत्याशी भी इनका कुछ कहेंगे? जी, ये चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं, लोगों में इनकी मान प्रतिष्ठा काफ़ी अधिक है, और काफ़ी लोकप्रिय भी हैं, और इनका जो लोगों के अंदर समाज सेवा की भावना भी इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। अगर ये चेयरमैन बनते हैं तो क्या तस्वीर रहेगी नगर पंचायत? देखिए, ऐसा है कि समाज सुधार के तमाम कार्यक्रम होने चाहिए, जैसा कि सब्जी मंडी के लिए, फल मंडी के लिए, गल्ला मंडी के लिए, और तमाम मंडियाँ हैं उनकी बेहद दुर्दशा हालत है, उनके लिए कुछ कार्य होने चाहिए, इस उद्देश्य से इन्होंने ये उठाना है। पर्चे आप? मैं सुनील सोनी, व्यापार मंडल कोषाध्यक्ष जियनपुर आजमगढ़। अच्छा, ये किस तरह का भंडारे का आयोजन किया गया? ये भंडारा जो है हर वर्ष होता है हमारे सामाजिक व्यक्ति सतीश सोनकर जी के द्वारा, और लगभग क्षेत्र के सभी लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सौभाग्य प्राप्त होता है हम सभी लोगों को, क्षेत्रवासियों को। मैं आपका पप्पू पाठक। अच्छा, आपके मोहल्ले में किस तरह का आयोजन किया गया भंडारे? हमारे यहाँ हर वर्ष होता है, बहुत ही विशाल भंडारा का आयोजन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ये हमारे सतीश सोनकर हैं, समाज सेवी हैं, समाज में हमेशा उनका अच्छा योगदान रहता है, और भंडारे के रूप में पूरे समाज को प्रसाद देते हैं, और प्रसाद समाज के लोग ग्रहण करते हैं, जिससे
भगवान का प्रसाद मिलता है और सब लोग खुशी खुशी अपने घर साल भर तक खुशी खुशी रहते हैं, फिर अगले साल आते हैं फिर प्रसाद लेते हैं। ये विशाल भंडारा वो अपने तरफ से करते हैं और बहुत ही नेक आदमी है, भगवान करे उनकी उम्र इतनी हो किसी तरह भंडारा काम होता रहे और हमारे नगर में और हमारा मोहल्ला एकदम खुशमय जगमग रहे।